Hey guys, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज की जो हमारी वेट लॉस के लिए टिप्स रहेगी वो रहेगी प्रोटीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा वजन कम करने में प्रोटीन की जो है वो एक अहम भूमिका है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग वेजिटेरियन हैं और मांस मछली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि एक सामान्य क्रियाशील महिला को लगभग 1800 से 2000 कैलोरी की जरूरत होती है और एक सामान्य क्रियाशील पुरुष को 2200 से 2500 कैलोरी की जरूरत होती है, जिसमें कि कुल कैलोरी का 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और 20 से 35% फैट होना चाहिए और 15 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मांस मछली और अंडे में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और उसमें से जो मछली होती है हमारी उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन ये वीडियो स्पेशली वेजिटेरियन के लिए है जिनके लिए थोड़ा प्रोटीन को लेना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए मैं प्रोटीन के लिए सबसे पहले जो हमारी बारी आएगी सोयाबीन हमारे लिए प्रोटीन का जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, जिसमें कि पर 100 ग्राम में हमें 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और वैसे ही हमारी और दालें जैसे कि किडनी बीन, राजमा जिन्हें कहते हैं, मूंग की दाल, काले चने हो गए, इनमें भी जो है भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि अगर हम राजमा की बात करें तो पर 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन जो है इसमें पाया जाता है और मूंग की दाल में भी 24 ग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से प्रोटीन पाया जाता है। और अगर हम बात करें काले चने की तो पर 100 ग्राम में 19 ग्राम जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे डेयरी के प्रोडक्ट है उसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो ब्रोकली में पाया जाता है। ब्रोकली को आप उबाल के भी खा सकते हैं, एज ए सलाद उसे आप ले सकते हैं और इसकी सब्जी भी खा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सोयाबीन को खाने का जो सही तरीका है वो कैसे है। सोयाबीन को हम उबाल के भी खा सकते हैं, मींस हाफ बॉईल करके खा सकते हैं। आप सोयाबीन को जो है वो कच्चा कभी ना खाएं और सोयाबीन की बहुत अधिक मात्रा ना लें, इससे आपको लूज मोशन या वोमिटिंग वगैरह की दिक्कत जो है वो आ सकती है। और सोयाबीन को आप एज ए भून कर एक तवे पे आप थोड़ा सा उसको भून कर जो है एज ए स्नैक्स भी उसे ले सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि अपने इवनिंग स्नैक्स में थोड़े से काले चने ले लेती हूँ और थोड़ी सी सोयाबीन ले लेती हूँ, जिन्हें कि भून कर मैं खा लेती हूँ, जिसके कारण जो है वो मुझे भूख भी नहीं लगती है। जो कि प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट होने में जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, जिसके कारण जो हमारा पेट है वो काफी समय तक भरा रहता है और हमें ज्यादा भूख भी नहीं लगती। प्रोटीन जो है वो हमारी कैलोरी को बर्न करता है। अगर हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा जो है वो सही नहीं होगी तो इससे हमें अपने वजन को कम करने में बहुत सारी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खाने में सही प्रकार से प्रोटीन का इस्तेमाल करें। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 1 किलो वजन के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है पूरे दिन भर में, तो आप इस हिसाब से खुद कैलकुलेट करके ये हिसाब लगा सकते हैं कि आपको पूरे दिन में कितने प्रोटीन की जरूरत है। इससे पहले मैंने डाइट प्लान की एक वीडियो बनाई है, अगर आपने देखी होगी तो आप जानते होंगे और अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं और उस डाइट प्लान को फॉलो करके अपने वेट को जो है वो कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक अंडे को ले सकते हैं, बट अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है हमें उसे ही लेना होता है, पीले भाग को नहीं लेना होता है। और एक सामान्य अंडे में लगभग 4 से 5 ग्राम जो प्रोटीन है वो उसमें पाया जाता है। और इसके साथ आप पीनट्स ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं, बट इसकी क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से थोड़ी कम। अगर आप इन सब चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपको जो है वो प्रोटीन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन के साथ ही इसमें गुड फैट्स और भी कई तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। फ्रेंड्स,
आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि वो दावे करते हैं कि 10 दिन में 10 किलो वजन कम करें या फिर 15 दिन में 20 किलो वजन कम करें। बट क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? 10 दिन में 10 किलो वजन कम करना इम्पॉसिबल है और वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर बाई चांस ऐसा हो भी जाता है तो क्या वो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद? तो हम चाहते ये हैं कि आप वजन कम करें बट उसको जो है वो थोड़ी धीमी रफ्तार से, ताकि आपका जो है वो कोई भी फिजिकली आपको कोई भी इसका हार्म ना हो। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करती हूँ और मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।